एवरीवन, दिस इज आयुष एंड यू आर वाचिंग क्वालिटी स्पीक्स। बात करते हैं मॉक टेस्ट के बारे में दोस्त। सी, मॉक टेस्ट इज समथिंग जो आपकी प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। हाँ, हो सकता है इम्पोर्टेंस में नंबर वन ना आती हो, बट मॉक टेस्ट इम्पैक्ट में नंबर वन आता है। अच्छा हुआ मॉक टेस्ट बहुत कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, खराब हुआ, मेहनत करने के बाद भी मार्क्स नहीं आए, बहुत डिमोटिवेशन पढ़ने का मन नहीं करता। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मॉक टेस्ट के बारे में अच्छे से जानकारी ले लें। अभी बहुत लोगों के अंदर कंफ्यूजन है, सर कोर्स कंप्लीशन, मॉक टेस्ट ज्यादा, क्या 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 करना है। एक थंब रूल याद रखिए, जब तक आपका 70-75% सिलेबस ना हो जाए, डोंट गो फॉर फुल लेंथ मॉक टेस्ट। कितने स्टूडेंट्स हैं, आपने भी देखा होगा, कोई एलन आकाश, बहुत सारी जगह में इनरोल होगा, आप वो मॉक टेस्ट दे रहे हो उन चैप्टर्स के जो चैप्टर कभी पढ़े ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में आप जबरदस्ती अननेसेसरी का सेल्फ डाउट डिमोटिवेशन लेके आ रहे हो कि मैं मुझसे हो नहीं रहा। वहां पे उसमें होता है ना, एप्स में लिखा होता है टॉप परफॉर्मर्स, उन्हें 720 में से 700 मार्क्स आ रहे हैं लोग के, मेरे तो बिल्कुल 300-400 आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं भाई, पढ़ा ही नहीं है पूरा, पहले पढ़ के आ। ठीक है, तो मैं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करना चाहता हूं विद इन 2 मिनट्स। पहला, 70-75% कंप्लीट कर लीजिए। लास्ट ईयर का मैं आपको एक रिजल्ट बता दे रहा हूं। एक स्टूडेंट ने क्या किया, पूरा फोकस सिलेबस पे दिया, उसने मॉक टेस्ट नहीं दे पाया था। ठीक है, 1 महीने पहले ही उसका सारा का सारा फुल सिलेबस कंप्लीट हो गया और उसने 1 महीने में ही 25 मॉक टेस्ट दे दिए, ऑलमोस्ट डेली दे दिए। भाई होना ही यही था, आपका सिलेबस कंप्लीट, जितना मन उतने मॉक टेस्ट दो, और एग्जाम से जस्ट पहले 25 मॉक टेस्ट दे के गया, बहुत अच्छा मार्क्स आया उसके। और मैं यही बता देता हूं, मॉक टेस्ट से डेफिनेटली सीखने को मिलता है, गलतियां सीखने को मिलती है, पर जो सीखते हो ना वो भी आप भूल जाते हो, वो भी चीज ससेप्टेबल है भूलने के लिए। मेरे साथ जेई में हुआ था, एक क्वेश्चन गलत किया था मैंने, और वही क्वेश्चन पहले भी आ चुका था मॉक टेस्ट में, फिर से गलत कर दिया था मैं, सेम क्वेश्चन फिर गलत करके आया, रीजन बहुत पहले दिया था, याद ही नहीं रहा, जो याद था उस टाइम गलती याद थी, एग्जाम में याद ही नहीं आई। तो ये भी हो जाता है दोस्त, ठीक है, बट स्टिल बहुत के अंदर रहता है सर थोड़ा तो मॉक टेस्ट देना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल देना चाहिए, पार्ट टेस्ट होते हैं, पार्ट टेस्ट दीजिए, ठीक है, पार्ट टेस्ट आप दे सकते हैं, बट बहुत ज्यादा मत दीजिए पार्ट टेस्ट वाले, यार कम रखिए, फ्रीक्वेंसी कम रखिए। आपको लगता है कि हाँ मैंने 20-30% सिलेबस कर लिया है, तो 1 या 2 मॉक टेस्ट दे दिए बस। मैक्सिमम कंप्लीशन पहले 70-75% सिलेबस कंप्लीट करना भाई सबसे पहले, या बहन, ठीक है, पार्ट टेस्ट देते जाइए। और एक छोटी सी चीज, दिल पे मत लगा मॉक टेस्ट के मार्क्स को यार, ठीक है, मुझे पता है कहना बहुत आसान होता है बट लग जाते हैं दिल पे, वो चीज प्रिडिक्शन में चला जाता है बट नहीं है, वो सच नहीं है। ठीक है, आज लेट से मेरे बैंक में 1,00,000 रुपए हैं, इसका मतलब ये नहीं जिंदगी भर वही रहने वाले हैं, ठीक है। इवन इफ अगर सेम मेहनत भी कर रहा हूं, हो सकता है फ्यूचर में ज्यादा पैसे मिल जाए सेम मेहनत पे, तो हो सकता है जितनी मेहनत कर रहे हो अभी, क्योंकि नया नया है एग्जाम दे रहे हो तो अभी कम आ रहे हैं, सेम मेहनत में हो सकता है ज्यादा भी आ जाए, ठीक है। तो ज्यादा वरी नहीं होना है, वर्स्ट टाइम इसका यही है कि आप बिना प्रिपेयर होकर मॉक टेस्ट दे रहे हो, डिमोटिवेशन, सेल्फ डाउट और टाइम वेस्ट, ये तीनों चीजें मिल रही हैं। प्रिपेयर होकर मॉक टेस्ट दोगे, मजा भी आएगा, सीखोगे भी और तुरंत एग्जीक्यूट कर पाओगे, क्योंकि कुछ टाइम बाद ही तो आपका मेन एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। कैसे मॉक टेस्ट के मार्क्स इंक्रीज करने है, उसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है, जाके उसको देखिएगा। और कुछ वीडियो अभी मेरे को लानी है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली जेई और नीट दोनों के लिए, मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।